फाइनली दोस्तों बिहार स्टाफ सिलेक्शन कमीशन इंटर लेवल का जो फॉर्म भरा गया था, एडिट करने का ऑप्शन आने वाला था जो आ गया है। आप फॉर्म भरे हैं जिसमें एडिट कैसे कर सकते हैं एंड जितने फॉर्म भरे हैं उसमें डॉक्यूमेंट आप अपलोड कैसे कर सकते हैं। इस वीडियो में आपको लाइव प्रूफ एडिट करके एंड डॉक्यूमेंट अपलोड करके बताऊंगा। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कर दीजिए, चैनल पर पहली बार है तो सब्सक्राइब कर लिए ताकि ऐसे इंटरेस्टेड और मजेदार वीडियो मिलती रहे। चलिए हम इस वीडियो को शुरू करते हैं। आपको सबसे पहले अपने फोन या लैपटॉप के गूगल क्रोम को ओपन करना है। आपको टाइप करना है BSSC लॉगिन। जब क्लिक कीजिएगा आपके सामने कुछ इस इंटरफेस खुल जाएगा, आपको लॉगिन पे क्लिक कर देना है। यहाँ आप अपना रजिस्ट्रेशन नंबर फिल कीजिएगा, पासवर्ड फिल कीजिए, जो कैप्चा कोड दिख रहा है इस कैप्चा कोड को फिल कर देना है। उसके बाद आपको लॉगिन पे क्लिक कर देना है। कुछ इस प्रकार ओपन हो जाएगा। यहाँ से आप अपना A to Z डिटेल को चेक कर सकते हैं एंड इसमें एडिट करने के लिए आपको यहाँ क्लिक हियर टू प्रीव्यू एंड एडिट का ऑप्शन दे रहा है, जिस पर आपको क्लिक कर देना है। अगर आपके नाम में कुछ मीनिंग गलत हो गया है जिसको चेंज करना चाहते हैं तो यस में आपको जवाब देना होगा। पहले ही आप जो नाम लिखे हैं वो सही है, अब चेंज नहीं करना चाहते हैं इसके लिए यहाँ पे नो कीजिए, ऑटोमेटिक ये ऑफ हो जाएगा। उसके बाद यहाँ फादर्स नेम में सुधार करना चाहते हैं, यस में जवाब देना है। जैसे मैं आपको A to Z डिटेल को फिल करना होगा। जैसे मैं कुछ कुछ ऐसा वर्ड है जिसको चेंज नहीं कर सकते हैं, जैसे मैं एंड नीचे ही होते हैं, यहाँ पे आप अपना ईमेल आईडी चेंज नहीं कर सकते हैं। यहाँ जितना यस नो वाला ऑप्शन दिख रहा है आपको A to Z को टिक करना ही पड़ेगा, अदरवाइज आप सोचिएगा छोड़ दें तो सबमिट नहीं होगा। इसके लिए आप यस नो या टिक कर लीजिए चेंज करना है या नहीं करना है। सो हमको यहाँ पे जो भी चेंज करना है सो A to Z हम चेक कर लेते हैं। उसके बाद यहाँ सबमिट को जो ऑप्शन दिख रहा है जिसमें हम क्लिक कर देंगे। जब सबमिट पे क्लिक कीजिएगा यहाँ से इसको ओके कर दीजिएगा। उसके बाद प्रीव्यू ओपन हो जाएगा, यहाँ से इसको टिक कीजिए और यहाँ से इसको फिर से सबमिट कर दीजिए। उसके बाद सेकेंड पेज खोल जाएगा, यहाँ से आपको एजुकेशन जो दिए थे उसका डिटेल, उसको यहाँ से आप ना एडिट कर लीजिएगा जो भी चेंज करना चाहते हैं। उसके बाद सबमिट पे क्लिक कीजिएगा, यहाँ से ओके कीजिए। उसके बाद फिर से आपको सबसे नीचे आना है, आने के बाद यहाँ से इसको फिर से टिक करना है एंड यहाँ सबमिट पे क्लिक कर देना है। इसके बाद यहाँ से ओके कर देंगे। उसके बाद यहाँ से डॉक्यूमेंट वाला सेशन आ जाएगा। यहाँ से आपको तो A to Z डॉक्यूमेंट अपलोड करना होगा जो 50 KB से लेकर 1 MB के बीच में होना चाहिए। जैसे मैं अपना मैट्रिक का मार्कशीट अपलोड कीजिए, उसको सर्टिफिकेट अपलोड कीजिए, ये डॉक्यूमेंट अपलोड करके सबमिट पे क्लिक कीजिएगा। उसके बाद आपका फाइनल सबमिट हो जाएगा। सो फ्रेंड, इस पर खूब आसानी से आप जो भी एडिट करना था जिसको एडिट कर सकते हो। अच्छा लगे तो लाइक कर दीजिए, चैनल पहली बार है तो सब्सक्राइब कर लिए ताकि ऐसे इंटरेस्टेड मजेदार वीडियो मिलती रहे। तब तक ले, जय हिंद, वंदे मातरम, बाय बाय।